हाय फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल हमारे चैनल पे। यहाँ पे देखिए, हमने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन किया है और इस पे मैं एक अंडरलाइन डालना चाहूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन डालना चाहूँगा। थोड़ा सा आप इस पे नज़र बना के रखिएगा। ये देखिए, ये है हमारा सपोर्ट जोन। इस पे हमने एक सपोर्ट लाइन ड्रा किया है। देखिए, ये वीकली चार्ट पे ये इसका जो प्रीवियस हाई है वो जब नीचे आएगा, यानी कि जो प्रीवियस हाई होता है वही आगे चल के सपोर्ट का काम करता है। तो ये जो प्रीवियस हाई है ये सपोर्ट का काम कर रहा है और यहाँ से एक मिनट, अगर आप 15 मिनट की कैंडल पे जा करके इसको देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। देखिए, यहाँ से बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है। देखिए, यहाँ पे आया बैंक निफ्टी, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ से अगले दिन यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यानी कि 18920 के ऊपर, 925 के करीब में यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से देखिए एक अपसाइड, यानी कि स्लो एंड स्टेडी ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी कि इस लाइन को हम सपोर्ट जोन मान सकते हैं और यहाँ से ये ऊपर की तरफ रिकवरी देना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए, हम इसको कल के सेशन में कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा आइए हम सीखते हैं कि कैसे इसको हम कल के ध्यान में देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक, इसको मैं यहाँ ला के अगर रख दूँ तो ये भी सपोर्ट का काम है, क्योंकि यहाँ पे ये डेलो है और साथ ही ओपनिंग है, यानी ओपनिंग के बाद ये नीचे कभी गया ही नहीं, ऊपर चला गया, यानी कि जो इसका ओपनिंग प्राइस है वही इसका डेलो है। अब देखिए, प्रीवियस डेलो को अगर हम मार्क करना चाहें तो यहाँ से हम इसको प्रीवियस डेलो को मार्क कर देते हैं। देखिए, ये जो प्रीवियस डे लो है वो हमारे कल का रेजिस्टेंस बन के बैठा हुआ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। अब देखिए, यहाँ से अगर मार्केट यहाँ कहीं खुल करके और कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करना चाहूँगा। ये हमारा ये प्रथम सपोर्ट निकल के आएगा और उसके बाद में फिर हमारा सपोर्ट आगे करके निकल के 280 और फिर 340 ऐसे करके सपोर्ट आएगा। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, अगर यहाँ कहीं खुलने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ब्रेक करता है तो फिर हम इस लेवल के लिए, कम से कम इस लेवल के लिए तो सपोर्ट ट्रेड कर ही सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले बड़े मूव के कैस्टर में मत रहिए, आपको जो मिल रहा है उसको पहले करिए। देखिए किस फील्ड में आप निपुण है, किस चीज़ को आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं उसको आप कवर करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे अगर ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ खुल के और यहाँ कहीं तक हम लोगों ने सपोर्ट किया है कि यहाँ खुल के कंसोलिडेट करके यहाँ तक जाएगा तो इसकी, तो सॉरी थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो यहाँ से चल के यहाँ जाएगा, यहाँ निकलेगा तो ये मेरा हमारा टारगेट है। लेकिन बाय द वे, अगर यहाँ से मार्केट गैप अप होता है तो हम फिर क्या प्लान करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ से अगर गैप अप करता है तुरंत वन वे ऊपर की तरफ जाने लगता है तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं रहूँगा, लेकिन अगर यहाँ से खुलने के बाद थोड़ा सा समय बिता के अगर निकलेगा तो अगला टारगेट आपका यहाँ निकल के आ जाएगा, आप यहाँ से इसको कैप्चर कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का व्यू, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ अपना, ये भी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से एंजल वन में अकाउंट खोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।